दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वसीम जाफर, जो अब एक कमेंटेटर हैं, उनका मानना कि भारत एशिया कप के अपने मैच के लिए अपने शुरुआती 11 में कोई बदलाव नहीं करेगा। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि केएल राहुल हाल के मैचों में अपने खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में खेलेंगे। केएल राहुल एशिया कप के पहले दो मैचों में अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। वो पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली ही गेंद में गोल्डन डक पर आउट हो गए। वही दूसरे मैच में हांगकांग के खिलाफ महज 92 की स्ट्राइक रेट से 39 गेंदों में सिर्फ 36 रन ही बना पाए। भले ही ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी अब बेंच को गर्म कर रहे हों, लेकिन जाफर का मानना कि उन्हें मैदान पर मौके के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हर खिलाड़ी को पर्याप्त मौके देते हैं। उन्होंने ESPN क्रिकइन्फो से इस प्रकार कहा, हम पिछले एक साल से जानते हैं कि भारतीय टीम अपने सभी खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मेरी राय में मुझे विश्वास नहीं है कि कोई बदलाव होगा। आपके पास पिछले गेम की तरह ही 11 होगी। अगर चोट की कोई चिंता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल को बदलने या कोई अन्य बदलाव करने पर विचार करने के लिए ये कुछ विफलताएं उनके लिए पर्याप्त होंगी, वसीम जाफर ने कहा। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों इस खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट वीडियोज़ ला सकें। धन्यवाद।